लो भी दोस्तों, खोए दियां पिन्नियां तैयार हो रही ने। ते इस लैवल तक दुकान तो लेंदे खोए नूं पहुंचाउण तक घट्टो घट्ट अद्धे तो पौने घंटे की मशक्कत कह लो असी दोनों ने कीती है। बहुत सारे ब्लॉगर हैं, वैसे असी तुहानूं बड़े ही देसी ढंग नाल दिखावांगे पिन्नियां बना के। जी खोआ हुण पिन्नियां बनने वास्ते सूजी ते होर चीज़ां जिहड़ियां मलाईयां जाणगियां, कड़ाही चों प्राण च आ गया कम। लो भी दोस्तों, खोआ देसी घी दाखां ते सूजी पई है, क्योंकि ऑन डिमांड पिन्नियां बन रही हैं। इहदे तुसीं होर भी जिहड़े ड्राई फ्रूट हैं, बादाम है, काजू है, ऐड कर सकते हैं, परंतु असीं ऑन डिमांड बना रहे हैं, सो सिर्फ दाखां ही पा रहे हैं। तो जानकारी हित गल ये है कि ये जो खोआ तैयार है पिन्नियाँ बनाने वास्ते वो 1.5 किलो के करीब है, क्योंकि लिया दुकान तो 2 किलो से। उन्होंने जो आप फिर भुनिया तैयार होंदे तक यह करीब करीब 1.5 किलो के करीब रह गया। तो वो हिसाब न 2 कड़छियाँ आप देसी घे दी पाइया, तो अगे समगरी करते हैं ऐड। लो जी हुण दोस्तों, आप एस्टीमेट नहीं पहला लाया, लोड अनुसार है, क्योंकि अक्सर बनाए बना रही। सो आपने घी के लोड़ी सूजी दियाँ ऐड की है, थोड़े मैडम होर पा रहे हैं। सो सूजी आप हूँ भुना लो भी दोस्तों, सूजी पूरा ब्राउन कलर पूरा रंग फट चुकी है। तो हुण आपां इहदे च समगरी करांगे ऐड। लो जी, सूजी पूरी तरह ब्राउन कलर पूरा रंग फट चुकी है, तो आपां इहदे च हुण खोआ पा रहे हैं। जिदां मैं तुहानूं पहलां दस्सिया, 1.5 किलो के करीब खोए की आपां हुण समगरी तैयार की है, हुण इहनूं रलावांगे आपां चंगी तरह, क्योंकि कड़छी इस तरह फेरनी है कि बिल्कुल भी थले नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा जिन्ना रेडिशनैस हो जूगी थले लग गया तो वह फिर स्वाद फर्क आऊगा। तो दोस्तों, थोड़ी जानकारी हित है भी जमें ही देसी तरीके सौखे तरीके आप पिन्नियाँ तैयार कर लगे हैं, कोई फालतू वाधू समान नहीं पाया, सिर्फ आपने खोआ भुन के फिर घी सूजी पा के जिनी वध आप सूजी पावे उस अनुपात आपू घ्यो पाना पैना। तो सिर्फ ड्राई फ्रूट आपने सिर्फ दाखा लिया ने, क्योंकि ऑन डिमांड है, किसी खास स्पैशल साढ़े बंदे की डिमांड सी, उसके वास्ते आप तैयार कर रहे हैं। तो फिर पिन्नियाँ बट के भी दिखाने थोड़ा। लो जी, सूजी तो खोआ पूरी तरह मिक्स हो चुका, तो वो आपने दाखा पा दी, तो उस तो बाद आप बूरा पाना, हूँ लोड़ अनुसार आप मिठा पा के बूरा पा के फिर आपू पिनी आप बटांगे। लो जी दोस्तों, हूँ ये पिनियाँ का कह लो भी कच्ची समगरी लगभग तैयार है, सिर्फ आपने ये हूँ बूरा मिठा पाउणा, बूरा उदों ऐड करना जदों ये हाथ लगन योग हो गया, कोसा हो गया, तो फिर आपने अपने जिदा थोनू साइज़ पसंद है वो साइज़ के अनुसार आप पिन्नियाँ बटांगे। तो बटन की तकनीक जिहड़े पिंडां च आपां रहे हैं, एक हाथ दो दो लड्डू आपां ब्याहां नूं बटदे रहे हैं, तो वह भी थोनू दिखाउने हैं। लो जी दोस्तों, हुण सारा तैयार माल अपनी परात च आ चुक्या, तो कोल बूरा आ गया। ये बूरा आपां अपने स्वाद अनुसार लोड़ अनुसार ऐड करके फिर आपां जिदा मैं पहला दस्सिया कि जदों हाथ लगन जो हो गया कच्चा माल, फिर आपां बूरा ऐड करके पिन्नियाँ बूरे नूं पूरी तरह मिक्स करांगे, तो फिर पिन्नियाँ बटांगे। सब तो सौखा तरीका है पिन्नियाँ का। लो जी, हुण तैयार कच्चे माल च बूरा पा रहे हैं मैडम,
कोई मापदंड नहीं, आपां रखिया पूरी तक नाल, जिहनूं कहिंदे आ पंजाबी 'च, पूरे अंदाजे नाल ही आपां ने सारा माल है ना, खोआ घी दाखा ते हुण बूरा अंदाजे नाल ही पाया जा रहा। इहनूं हुण पूरी तरहां आपां ने तैयार खोए 'च आपां ने मिला लेना है। ते फिर उस तो बाद प्योर जिहड़ा पंजाबी अंदाज है, पेंडू अंदाज, उहदे तुहानूं पिन्नियां बटन दे दृश्य फिर दिखावांगे। बूरे नूं तैयार माल 'च पूरी तरहां मलाउणा आपां ने, पूरी तरहां जिद्दां आपां कह लो वी मलदे हैं दोनों हत्थां 'च लै के, जिन्ना वधिया ढंग नाल आपां मलांगे उन्नियां ही वधिया ते सुआदी पिन्नियां बणनगियां। हुण पिन्नियां तैयार हो रही ने, पिंड याद आ रहा मैनू, चाहे 93 पिंड सियाड़ा सी, पिंड जदों भी कोई ब्याह होना मेल वाले दिन असी लड्डू बढ़ते सी, एक एक हाथ च मैं थोड़े सामने एक एक पिन्नी बना रहा, तो जिहड़े हलवाई होंगे ट्रेनड प्रोफेसनल, मैं वो भी देखे भी एक एक हाथ च दो दो, यानी एक टाइम कट्ठिया चार लड्डू ज पिन्नियां बनाते भी देखे। पर यह कह लो भी जिहड़ा तजर्बा तुसीं छोटी उम्र च ले लैंदे आ, चाहे कि हुण असीं साल च इक अद्धी बार ये पिन्नियां बनाई दियां, परंतु वह तजर्बा जो पिंड च ब्याहां वेले दा तजर्बा हैगा, वो हाथ ऑटो उस ते लग जांदे आ। आ थोड़े सामने मैं हुण पिन्नियां बना के रख रहा, सो बहुत ही सौखे तरीके नाल ये पिन्नियां आपां बना रहे। लो जी दोस्तों, पिन्नियां बन के तैयार हैं, तो बड़िया सुआदी बनिया, तो मूँह च पानी थोड़े भी आऊगा, परंतु ऑन डिमांड बनिया, जिदा बनाइया असं उदा ही जोड़े स्पैशल बंदे वास्ते बनाइया उन्होंने सप्लाई कर देनी। धन्यवाद।